गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पढ़े थे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क में से। उससे पहले हमने वाइट एरिया नेटवर्क पढ़े थे, तो होप सो आप सबको यानी वाइट एरिया नेटवर्क सॉरी लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अच्छे से समझ में आ गई होगी। उनका हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आप लोगों को पढ़ा था, तो होप सबको यानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वाइट एरिया नेटवर्क, जो कि टाइप ऑफ नेटवर्क है। वाइट एरिया नेटवर्क जिसको हम वैन कहते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द एब्रिवेशन ऑफ वैन मीन्स, यानी वाइट एरिया नेटवर्क आप लोगों को याद रखना है ये जो एब्रिवेशन वगैरह। वाइट एरिया नेटवर्क, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हमने लैन पढ़ा था तो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क एक स्मॉल एरिया को कवर कर रही थी। फिर इसके बाद जब हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि मेन पढ़ा था तो मेन एक यानी ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते थे, जिसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स कैंपस वगैरह में या कंपनीज में हम यानी मेन यानी यूज कर रहे करते थे, और ये एक सिटी को यानी कवर करते थे। जैसे कि वाइट एरिया नेटवर्क है जो कि एक कंट्री को एक स्टेट को यानी क्या करते हैं कवर करते हैं। तो चलो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। वाइट एरिया नेटवर्क जिसको हम वैन कहते हैं, इट इज अ नेटवर्क दैट एग्जिस्ट ओवर अ लार्ज स्केल ज्योग्राफिकल एरिया सच ए स्टेट और कंट्रीज। जो कि वाइट एरिया नेटवर्क क्या है, एक एरिया एक नेटवर्क है जो कि लार्ज स्केल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, जिसमें स्टेट भी हो सकते हैं या तो कंट्री भी हो सकते हैं। अ वाइट एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन लैन। लैन से यानी ये क्या है, बड़ा नेटवर्क है वाइन जो कि वाइट एरिया नेटवर्क। कॉमनली कनेक्टेड सेपरेट ऑफिस फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर अक्रॉस द टाउन और अक्रॉस द वर्ल्ड। कॉमनली आमतौर पर जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन से उसकी सेम एक ऑफिस है उसकी सेम ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन से उसकी सेम यानी अलग अलग यानी क्या है ऑफिस है, चाहे वो एक टाउन में है अक्रॉस द टाउन या तो वर्ल्ड में है, यानी ये आपस में क्या करते हैं सेपरेट है तो ये जगह अलग अलग में है मगर उनको सेपरेटली है, मगर उनको कलेक्ट यानी कनेक्ट करने के लिए हम वाइट एरिया नेटवर्क का हम यूज करते हैं। मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ वैन इज इंटरनेट, यानी जो मोस्ट पॉपुलर यानी एग्जाम्पल है वैन का इंटरनेट है। तो आप लोगों को ये जो इंटरनेट हमेशा याद रखना है। अगर आप लोगों को कोई आपसे पूछेगा कि मेन जो कि आप यानी वाइन का एक यानी वाइन यानी वाइट एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल दीजिए, तो उस टाइम आप लोगों को याद रखना है इंटरनेट। इंटरनेट जो कि एक सिटी को कवर करते हैं, एक स्टेट को कवर करते हैं, एक यानी चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे यानी एक दूसरे से हमें कम्युनिकेट करने के लिए हम इंटरनेट यूज करते हैं। तो इंटरनेट क्या है, वाइट एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। वाइट एरिया नेटवर्क वैन इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट स्मॉल नेटवर्क लाइक लाइन सो द यूजर इन वन लोकेशन कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जो कि वाइन है वाइट एरिया नेटवर्क जो कि हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट स्मॉल नेटवर्क्स को लाइक वैन्स, जैसे कि अलग अलग यानी स्मॉल वैन्स को यानी हम कनेक्ट करने के लिए हम वैन यूज करते हैं। सो द यूजर इज वन लोकेटेड कैन कम्युनिकेटेड विद अदर। जो एक यूजर यानी दूसरे एक यूजर एक जगह के बैठ के दूसरे प्लेस पे जब दूसरा यूजर है तो उसको यानी कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट यानी हम स्मॉल नेटवर्क्स बनाते हैं लैंस का। इट कवर्स लार्ज डिस्टेंस मोर देन 100 किलोमीटर्स। जो कि वाइन है वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि कवर करते हैं 100 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर। कम्युनिकेशन मीडिया यूज इट आर सेटेलाइट लिंक टेलीफोन लिंक फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इसमें जो वाइट एरिया नेटवर्क में सेटेलाइट कम्युनिकेशन मीडिया के लिए सेटेलाइट यूज होते हैं और टेलीफोन लाइन भी हो सकते हैं और फाइबर ऑप्टिक केबल भी यूज होते हैं कम्युनिकेशन मीडिया के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लाइन में सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होते थे, उसमें लैंड केबल टेलीफोन लाइन ही यूज होते थे। फिर इसके बाद जब मेन का हमने पढ़ा था तो उसमें टेलीफोन लाइन और फाइबर ऑप्टिक केबल दोनों यानी यूज होते थे। इसमें क्या यूज होते हैं, सैटेलाइट भी यूज होते, सैटेलाइट का भी लिंक होता है इसमें।
नेक्स्ट है, इट इज वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट ऑफिस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड एजुकेशनल फील्ड, यानी वाइड एरिया नेटवर्क जो कि बिजनेसेस में यूज होते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, उसका जो ब्रांच अलग कंट्री, दूसरे कंट्री में भी हो सकते हैं, तो इनको यानी बिजनेसेस का जो कि यानी उनका यानी जो भी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस वगैरह, फाइल्स वगैरह शेयर करना है, जो भी हो बिजनेस का अपडेट देना है, उन सारी चीजों के लिए आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उस टाइम यानी वैट एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में और यानी एजुकेशनल फील्ड में भी वैट एरिया नेटवर्क यूज होता है, इंटरनेट का यूज होता है। ये है इसका डायग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जैसे ये क्या है, इंटरनेट है, इसके ऊपर यानी अलग अलग यानी क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसके जो एक रोटर से यानी रोटर है यहाँ पे एज अ जैसे कि नेटवर्क यानी के लिए यहाँ पे रोटर लगा हुआ है, और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मान के चलो ये अलग अलग प्लेस पे है, अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग सिटीज में, या अलग अलग कंट्री भी हम माना जाए, तो इन सबको यानी आपस में कनेक्टेड किया है किससे, यानी लाइन से, यानी केबल से, टेलीफोन लाइन से, तो या तो सैटेलाइट से, यानी इन सबको यानी आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो तब जाके ये सब यानी एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क कैन बी प्राइवेट और इट कैन बी पब्लिक लीजिट नेटवर्क, यानी वाइड एरिया नेटवर्क चाहे तो प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे यानी कभी कभी यानी कंपनीज जो कि दूसरे कंपनी से यानी नेटवर्क यानी क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, ताकि आपस में यानी जो कंप्यूटर से यानी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे कंप्यूटर से, दूसरे यानी कंपनी से या दूसरे पर्सन से यानी ये क्या करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क शेयर करते हैं। तो होप सो आप सबको यानी वाइड एरिया नेटवर्क अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो आई होप आप सबको यानी ये वाइड एरिया नेटवर्क अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू वेरी सून।